गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी अभी क्या टाइम हो रहा है? डेट तो आज बताओ ना, डेट बताई ना, कुछ बताया वाली बस। आज डेट है 3 जनवरी। हाँ, 3 जनवरी। 3 जनवरी। और अभी मैं सो के उठा हूँ, थोड़ा टाइम हुआ बस नाश्ता वास्ता करने के लिए, रेडी हो गया। और ये देखिए, ये भी गुड मॉर्निंग हो गया। मैं अभी तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, निकलने के लिए तैयार हो रहा था, तो इधर से देखिए ये देखिए, बड़ी भयानक बारिश हो रही है, ठंडी वाली बारिश हो रही है। और मुझे ऑफिस निकलना है, बारिश देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिंदगी मसाला विद सरला। तो जी, इस वक्त तो शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 5, और सारा दिन आज का हमारा जो है वो इंद्र देवता को समर्पित हो चुका है। तो अब शाम के 5 बज चुके हैं और तकरीबन मतलब 2-2.5 बजे के करीब बारिश रुकी है। और मौसम देखिए, मौसम बड़ा औसम सा हो रहा है, ये देखो जी। हाँ, मगर ना वही है, सारा दिन बारिश की वजह से जो घर है हमारा वो पूरा गीला गीला सा हो रहा था, मतलब बाहर का। तो अंदर से तो मैंने सारा साफ़ कर दिया, बाहर भी किया था साफ़, लेकिन उसके बावजूद जो है ना कि वो गीला गीला सा ही रहा सारा घर। तो बस बारिश के अंदर यही बात थोड़ी ख़राब लगती है, तो इसीलिए आज मैंने बच्चों की ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी भी कर दी। तो ये कि अभी एग्ज़ाम वगैरह की कोई जल्दी नहीं है बच्चों को। सेकेंडली ये कि वही है कि बस सारे में गीला गीला हो रहा है, बाहर से वो लोग आएंगे सड़क पे से और घर भी गीला गीला हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज बच्चे भी रेस्ट कर लें, जुकाम वुकाम होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं, तो मैंने कहा ऐसी संभावनाओं से थोड़ा सा छुटकारा दिया जाए, तो मैंने उनकी छुट्टी दे दी आज। और इस वक्त 5 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आ गए हैं। और बस यहाँ पे देखिए, ये बन रही है हमारी चाय। इसका हैंडल नहीं है, पर नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लगवाती भी नहीं हूँ। हैंडल तो लग भी सकता है लेकिन मैं लगवाती नहीं हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, लगता है मैं कितना काम करती हूँ, मैं तोड़ रही हूँ और तो लड़ लड़ के। तो जी यही है, बस चाय बन रही है गर्मा गर्म, फटाफट से चाय बना लेती हूँ और फिर आपके साथ बैठ के चाय पीती हूँ और बातें करते हैं, है ना। चलिए 2 मिनट रुकती हूँ। चलिए, चाय तो रेडी हो चुकी है, फटाफट से चाय निकाल लेती हूँ। ये एक खाली बॉटल पड़ा है छोटा सा, और ये मुझे काम आता है जब मेरे बच्चे ज़्यादा दुष्टता करते हैं ना कभी कभी, तो मैं इसको बजा देती हूँ पटाख से ज़मीन पे, सारे अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। कि जब जब ये ज़मीन पर इतनी ज़ोर से बज रहा है, जब ये हमें बजेगा तो क्या बजेगा, बस इसी से मेरा काम चल जाता है। तो जी ये कप्स निकाल लिए हैं, चाय निकाल लेते हैं। चलिए, एक कप और चाहिए हीरो का। तू तो मेरा हीरो है, अरे तू मेरा हीरो है। अरे चाय कहाँ है, छन्नी कहाँ है, अरे छन्नी रे छन्नी तेरी, छन्नी छन्नी छननी छनन नन छन छननी छननी रे छन्नी। मुझे ज़्यादा चाय नहीं पीनी थी, चलो हस्बैंड को ही दे देते हैं, ज़्यादा चाय क्या याद करेंगे, किसी महान बीवी से उनका पाला पड़ाएगा याद करेंगे। चाय तो निकाल ली है, अब चाय लेके चलते हैं, गर्मा गर्म चाय लेके चलते हैं बेडरूम में, आराम से चाय पियेंगे टीवी देखते हुए। चलिए जी, छन्नी ये छन्नी, ओहो ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ है। हाँ ये बात भी है भैया, सर्दियों में तो कुछ ना कुछ बिछा होना ही चाहिए हर वक्त।
मैं बैठी थी खाना वाना खा के, तो मैंने ये ब्लैंकेट खोल लिया था। चलिए थोड़ा सा हटा देती हूँ, अपनी साइड पे कर लेती हूँ और बुला लेती हूँ हस्बैंड डियर को। आ जाओ चाय पी लो। चलिए बुला लेते हैं। बेबी चाय निकाल दी, आ जाओ। आ जाओ चाय निकाल दी है। उसको कुछ पहन लो, जैकेट वैकेट ठंडा हो रहा है। तो गीला तो होएगा ही। चलो इसे रख लो, पहले कुछ जैकेट पहनो ऊपर। तो चलिए जी, बेबी जब तक आ रहे हैं जैकेट वैकेट पहनते हैं, हम लोग थोड़ी सी चाय पी लेते हैं और फिर चाय पीने के बाद करते हैं आगे की कुछ बातें। आज का दिन मैंने पता कुछ भी नहीं किया, मतलब बस घर की साफ सफाई और ये वो जो रूटीन वर्क होता है वही, एक काम भी इधर से उधर नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था। बाहर सारे बारिश बारिश हो रही है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे आया हुआ है कार्डबोर्ड और ये है प्लास्टिक शीट। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फ्रूटी के बच्चों के लिए जो छोटा सा कार्डबोर्ड था वो जो है कार्डबोर्ड अब पूरी तरीके से भीग चुका है और फ्रूटी के बच्चे रात में कैसे रहेंगे, इसलिए हमने अभी मैंने इनको बोला ऑफिस फ़ोन करके कि नया कार्डबोर्ड लेकर के आइए और अभी के अभी हम इसको बना लेंगे और ज्वाइन करके फिर उसको रख देंगे ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से रह पाएँ। तो चलिए चाय पी लेती हूँ और फिर मैं बात करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मीकू जो है वो अब ऑफिशियली हमारी हो चुकी है क्योंकि इसके पास आ चुका है कॉलर। अब मैंने बांध दिया इसके गले में अपने नाम की घंटी। तो फ्रेंड्स ये है और आज का ये छोटा सा भीगा भागा सा ब्लॉग आप लोगों को आई होप बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है प्लीज हमें लाइक कर दीजिएगा, हमें अपनी प्यारी प्यारी छोटे छोटे मीकू जैसे कमेंट्स भेज दीजिएगा और बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स भेजते रहिए और हमारे चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सपोर्ट करना मत भूलिए। मेरे बाबू मेरे छोटे बच्चों, बाबू बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय बोल दो, बाय 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 म्याऊ। तो जी मीकू ने भी बाय कर दिया है, फिर मिलती हूँ आपसे एक नया ब्लॉग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। छोटे बच्चे हो तुम, गंदे बच्चे हो तुम, बहुत शोर।